नमस्कार, मैं अमित ज्योति, हिंदी कॉमेडी समाचार में आप सभी का स्वागत है। तो जल्दी बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। अभी अभी एक बंद पड़ी बस का ब्रेक अचानक फेल हो गया, जिसके कारण बस खाई में जा रही। फंसे हुए बस को दो मच्छरों ने मिलकर खींच कर बाहर निकाला। मच्छरों की इस बहादुरी को देखकर भारत सरकार ने उन्हें वीर गति से नवाजा। अवार्ड लेते समय मच्छरों ने अपने आईफोन से सेल्फी भी लिया और उस सेल्फी को उन मच्छरों ने अपने फेसबुक और इंस्टा पर शेयर किया, जिन पर उन्हें 50,000 लाइक और 10,000 कमेंट मिले। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ज्ञानपुर के शमशान घाट से एक मुर्दा 50 क्विंटल लकड़ी लेकर फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस उनकी जांच पर जुटी हुई है। जिस किसी सज्जन को वह मुर्दा मिलता है तो तुरंत ही उसकी सूचना दे। सूचना देने वाले को सरकार द्वारा पूरे राज्य की अपमान के साथ 50 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दीपावली पर बम पटाखे चलाने से जानवर हुए नाराज। उनका कहना है कि उनके सारे बम फूट के निकले और बहुत ज्यादा आवाज में फट रहे हैं, और उनकी यह मांग है कि उन्हें अच्छे पटाखों के साथ साथ एक पैकेट मुर्गा छाप भी मिलना चाहिए, जिससे वह अपनी दिवाली बेकार तरीके से मना सके। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज तप्पड़ में दो चप्पलों के बीच बहुत भयंकर लड़ाई देखी गई। बताया जा रहा है कि वह दो चप्पल दो पक्षों की लड़ाई सुलझा रहे थे, जिस दौरान एक चप्पल ने दूसरे चप्पल की पैदा में खोल दी और जब दूसरे चप्पल को गुस्सा आया उसकी नाक काट दी। तो हिंदी कॉमेडी समाचार में फिलहाल इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।